हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। जैसा कि आजकल हर किसी की जुबान पे ये खबर है कि क्या वाकई में भारत में कोयला संकट है, या कोयला का प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है, या बिजली अच्छे से उत्पादन नहीं हो पा रहा है, किसकी आखिर गलती है, वो सब बाद में बात करेंगे। पहले एक अखबार में प्रकाशित किया गया है, प्रभात खबर में, और जो फ्रंट लाइन है उसका, वो कुछ इस तरह से लिखा गया है कि अधिकारियों को संवेदनशील बनाने का प्रयास किया पर नहीं निकला परिणाम। यानी कोल इंडिया लिमिटेड में जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनको सेंसिटिव बनाने का प्रयास किया लेकिन परिणाम नहीं निकला, ऐसा अखबार में छपा है। और ये जो लेटर का एक कटिंग है, एक्चुअली भारत में कोयला संकट को लेकर के जो कोहराम मचा हुआ है, इसको लेके कोयला सचिव अनिल कुमार जैन ने कोल इंडिया चेयरमैन को एक लेटर लिखा है और उसमें कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने उस लेटर में ये भी सवाल उठाए हैं, व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए भी कहा है। उन्होंने ये लेटर लिखते हुए, भारत के जो कोयला सचिव है उन्होंने लेटर लिखा है प्रमोद अग्रवाल को, और उस लेटर में ये कहा है कि कोल इंडिया को 2024 तक 1 बिलियन टन का लक्ष्य हासिल करना है और इस साल 700 मिलियन टन प्रोडक्शन का टारगेट रखा गया था, लेकिन आपके अनुरोध पर यह लक्ष्य 660 मिलियन टन कर दिया गया था। 31 मार्च 2021 तक कोयले की काफ़ी स्टॉक होने के बावजूद ऑफ टेक यानी कि जो डिस्पैच है वो नहीं बढ़ा। इसके बारे में आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ और मंत्रालय ने ऑफ टेक के मामले में अधिकारियों को संवेदनशील करने का प्रयास किया तो इसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया। तो ये लेटर लिखा गया है मोटा मोटी अगर आपको बोला जाए तो मतलब कुल मिला करके कोयला सचिव है, उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड पे ये इल्ज़ाम लगाया है या ये कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड सही से कोयला का डिस्पैच नहीं कर पा रही है। तो इसको लेके जो कोल इंडिया के चेयरमैन है प्रमोद अग्रवाल, वो खुद इस मैटर को देखें। अगर बात करें यूनियन की कि यूनियन का इसमें क्या कहना है, तो सिट्टू के जो यूनियन है उन्होंने ये कहा है कि कोयला संकट को आर्टिफिशियल संकट बताया है। राष्ट्रीय महासचिव और जो पूर्व सांसद थे तपन सेन, उन्होंने ये बताया, बयान जारी किया कि कोयला और बिजली क्षेत्र में सरकार जानबूझकर आर्टिफिशियल संकट पैदा करने का प्रयास कर रही है, यह निंदनीय है। भारत सरकार को यह लक्ष्य सामने रखना चाहिए, यह लक्ष्य होना चाहिए कि इस तिमाही में रिकॉर्ड कोयला उत्पादन के बावजूद कोयले की कमी क्यों बताई जा रही है। कोल इंडिया में अप्रैल से लेकर के सितंबर 2021 तक जो 6 महीने होता है, छिमाही होता है, उसमें कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन और प्रेषक यानी डिस्पैच किया गया है। यही प्रभात खबर में और भी खबरें छपी हैं, मैं अब आपको उस पर ले जाऊंगा। ये खबर तो ये बताता है कि भैया कोयला का सही से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा कोल इंडिया लिमिटेड और डिस्पैच भी सही से नहीं कर पा रहा है। इसके बाद इसी अखबार में ये प्रकाशित किया गया है कि बिजली के लिए कोयला की आपूर्ति में नहीं होगी कोई कमी, ये प्रहलाद जोशी जी का कहना है, और कोयला संकट की खबरें निराधार बताया है वित्त मंत्री ने। देश के कोयला की कमी से जुड़ी खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में कोई चीज़ की कमी नहीं है और कोयला संकट की खबरें निराधार है। उन्होंने ये भी कहा है कि विद्युत मंत्री आरके सिंह ने 2 दिन पहले ही स्पष्ट किया है कि कोयला संकट या अन्य माल की कमी की खबरें पूरी तरह से निराधार है। इतना होने के बाद वही प्रकाशित हुआ है कि कोयला मंत्री और जो प्रहलाद जोशी है उन्होंने ये कहा है कि बिजली उत्पादन के लिए कोयले की आपूर्ति में कोई समस्या नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री पिछले 2 दिन से कोयला उत्पादन को लेकर के छत्तीसगढ़ में और झारखंड के दौरे पर गए हैं। उन्होंने SECL यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के खदानों का दौरा भी किया है और दौरा के दौरान उत्पादन की समीक्षा भी कर रहे हैं। साथ ही साथ बिजली मंत्रालय ने कोयला मंत्रालय को बिजली उत्पादन के लिए 10.9 लाख टन कोयले की मांग रखी थी, जो बाद में 20 तारीख के बाद अचानक से 20 लाख टन हो गया। जी हाँ, यही है असली वजह कोयला का। पहले जो कोल बिजली उत्पादन वाला विभाग था उसमें 10 लाख टन कोयला का मांग रखा गया था और उसी मांग को अचानक से बढ़ा दिया गया, ये आज के प्रभात खबर में प्रकाशित किया गया है। और इसके बाद ये कहा गया है कि बिजली उत्पादन के लिए आज की तारीख में 20 लाख टन की आपूर्ति की जा रही है। अब आप खुद सोचिए कि आखिर अगर कोयला का कमी है तो फिर प्रहलाद जोशी ट्वीट करके क्यों बता रहे हैं कि इससे रिलेटेड कोई समस्या नहीं है। वित्त मंत्री आखिर क्यों बोल रही है मीडिया के सामने कि इससे कोई समस्या नहीं है। एक तरफ जहां ये कह रही हैं, जितने मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि कोयला से रिलेटेड जो भी मैटर है उसको सलटा लिया जाएगा, दूसरी तरफ
जितने सीएमडी हैं कोल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी की बात करें, या फिर अगर हम बीसीसीएल और सीसीएल के सीएमडी की बात करें, तो बीसीसीएल और सीसीएल के सीएमडी का ये कहना है कि अगर बिजली उत्पादन कंपनी है तो उनको स्टॉक रखना चाहिए था, बिजली का स्टॉक उनको एक्स्ट्रा रखना चाहिए था, जो कि ये स्टॉक वो नहीं रखे। यानी बिजली कंपनी जो है उनको स्टॉक रखना था बट वो स्टॉक नहीं रखे, और अचानक से, पहले तो 10 लाख टन का डिमांड कर रहे थे, अचानक से उसको 20 लाख टन कर दिया गया था, यानी दोगुना कर दिया गया था, फिर भी कोल इंडिया लिमिटेड लगातार प्रोडक्शन कर रही है और डिस्पैच कर रही है। तो कुल मिलाकर के ये कहें कि कोयला का कमी तो नहीं है भारत में, कोयला का प्रोडक्शन भी हो रहा है, डिस्पैच भी हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के मामला कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हो रहा है, और ऐसा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है मीडिया के माध्यम से या कहीं भी किसी भी तरीके से कि कोल इंडिया लिमिटेड कोल का प्रोडक्शन करने में और डिस्पैच करने में सक्षम नहीं है। जबकि आपको बता दें कि कोल इंडिया लिमिटेड प्रोडक्शन भी बहुत बेहतर कर रही है और डिस्पैच तो उनका रिकॉर्ड है। तो आपको क्या लगता है इससे रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट बहुत से लोग पढ़ने वाले हैं, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।